कैंट पुलिस ने डॉक्टर को असलाह से टाका लूट करने वाले तीसरे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को आरसी रेजिडेंसी आजाद चौक से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान कन्हैया मद्देशिया उर्फ स्वराज मद्देशिया पुत्र स्वर्गीय राम किशोर उर्फ गोजाई मद्देशिया निवासी सहारा बैंक के नीचे सुभाष नगर टाउन एरिया थाना सोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का 2,270 रुपए बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 6 जून 2021 को बुलेट से मैं सागर गौड़ व अशोक शर्मा गोरखपुर आए थे, फिर लाइफ पैथोलॉजी के पास जाकर लूट का प्रयास किए थे परंतु सफलता नहीं मिली। दोबारा दिनांक 7 जून 2021 को इसी काम से आए परंतु काम ना होने के कारण शोहरतगढ़ वापस चले गए। दिनांक 10 जून 2021 को हम लोगों के साथ दीपू मदनवाल व अमन अग्रहरी भी साथ आए थे परंतु काम नहीं हो पाया। दिनांक 12 जून 2021 को हम लोग मिलकर लाइफ पैथोलॉजी के पास गए। अनुप व अशोक शर्मा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर बैठ कर सागर गौड़ का इंतजार कर रहे थे। सागर गौड़ ने बताया कि लाइफ पैथोलॉजी से जब डॉक्टर साहब हाथ में थैला लेकर निकले तो वह पेड़ के पास पीछे से दौड़कर असलहा सटाकर उनके हाथ से लिए झोले को छीन लिया तथा दौड़कर मोटरसाइकिल पर आकर बैठ गया। वहां से हम लोग कैंट चौराहा होते हुए रुस्तमपुर देवरिया रोड की तरफ भाग गए। अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद से अपने पकड़े जाने के डर से मैं तभी से घर से फरार था, लेकिन आप लोगों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त 1 साल से वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक विशाल कुमार शुक्ला, हेड कांस्टेबल धीरज सिंह, रंजीत सिंह, कांस्टेबल दीपक शिवानंद कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, ये वो क्या कहते हैं मारू में चार जूते उसे इंस्पेक्टर को गोरखपुर जनपद में अपराधी एवं अपराधियों के क्राइम को कंट्रोल के लेके एसएसपी महोदय के निर्देशन में आज एक 25,000 लूट के इनामी कन्हैया मद्देशिया को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कन्हैया मद्देशिया उस लूट का लूट में सम्मिलित था, 4.5 लाख की लूट लाइफ पैथोलॉजी, ये जून कोविड के टाइम जून 2021 में हुई थी। इन्होंने 3 बार लूट का प्रयास 6 तारीख 6 जून 7 जून 10 जून को लूट के प्रयास किए लेकिन असफल रहे, लेकिन 11 जून को इन्होंने 4.5 लाख रुपए की लूट की एवं उसके बाद से इसके बाकी साथी गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन कन्हैया मद्देशिया वांछित था, 25,000 का इनामी है और कैंट पुलिस ने आज सफलता प्राप्त की है, इसके लिए कैंट पुलिस बहुत बहुत बधाई की पात्र है। कन्हैया मद्देशिया का इस प्रकार का कोई पीछे का अपराधिक इतिहास नहीं रहा है।